सोलन के माल रोड पर विवांत माल के समीप ट्रक और जीप की भीषण टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि दोनों की टक्कर में ट्रक और जीप दोनों को काफी क्षति पहुंची है। दुर्घटना में जीप चालक बिल्कुल सुरक्षित है, वहीं ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। घायल चालक को 108 एम्बुलेंस सेवा की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका सोलन में उपचार चल रहा है। फिलहाल चिकित्सक उसे खतरे से बाहर बता रहे हैं। इस दुर्घटना के कारण माल रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते स्कूल जाने वाले बच्चों और कर्मचारियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। दुर्घटना की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक इंचार्ज नारायण चौहान ने बताया कि रात को ट्रक और बोलेरो जीप की टक्कर हुई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें सोलन अस्पताल पहुंचाया गया है। उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन को माल रोड से हटा लिया गया, ताकि शहर में किसी भी तरह का जाम न लगे। उन्होंने कहा कि इस घटना में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। गाड़ी और एक दूसरी जो है पैसेंजर वाली थी प्राइवेट व्हीकल, उनका एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद सिटी चौकी में जो है वो मामला दर्ज कर दिया गया है और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने जो है वो क्रेन के द्वारा जो है उसको गाड़ी को लिफ्ट करने के आदेश दिए हैं और ट्रैफिक को जो है हमने सुचारू रूप से चला दिया है और इसमें जो है मामला दर्ज कर दिया गया है और अगली कार्रवाई जो है वो चौकी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो चोटें आई हुई है ड्राइवर वगैरह को, उनको फर्स्ट एड दे करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और अभी वो हॉस्पिटल में जो है अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं और उसके बाद इसमें छानबीन की जाएगी।